मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, बिकॉज आज मैं आपको देने वाली हूँ एक बेबी नर्सरी टूर। सो जैसे आपको पता है, हम अपने सेकेंड बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अब कभी भी ड्यू है, तो हमने उसके लिए एक छोटा सा नर्सरी सेटअप रेडी कर लिया है। आज मैं आपको उसी का टूर दूंगी, डिटेल्स में बात करूंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाऊंगी जो बच्चों के लिए चाहिए होती हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अराउंड 2 months बैक जब हम बेबी फर्नीचर के लिए अपना ऑनलाइन रिसर्च कर रहे थे, वी केम अक्रॉस दिस बेबी फर्नीचर ब्रांड बाय द नेम ऑफ लिटिल बर्ड। सो ये इनकी वेबसाइट है, जहाँ पे जाके हमने अपना प्रोडक्ट रिसर्च किया एंड वी वर प्रिटी इम्प्रेस्ड बाय द प्रोडक्ट्स। इनके पास बेबी फर्नीचर कैटेगरी में लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो बहुत कुछ अवेलेबल था, बहुत अच्छे कलर्स अवेलेबल थे, एंड द प्रोडक्ट्स लुक सो क्लासी दैट वी वर एबल टू रिलेट टू इट। हमने इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक किया, रिव्यूज पढ़े, और काफी सारे मॉम इन्फ्लुएंसर्स जिनके अभी अभी बेबीज हुए थे, हमने देखा कि वो भी इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। सो वी वर प्रीटी इंप्रेस्ड। लिटिल बर्ड के सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं, इनकी इन हाउस फैक्ट्रीज हैं जहां पे ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। दूसरा, इनके सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडियर करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स पे जो पेंट यूज होता है और जो पॉलिश यूज होती है, वो EN71 स्टैंडर्ड्स को अडियर करता है, विच इज एक्चुअली यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। एंड हर जगह से यही निकल के आ रहा था कि लिटिल बर्ड एज अ ब्रांड को आप एसोसिएट कर सकते हो विद ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो ये सब देखते हुए, प्रोडक्ट्स को इतना पसंद करते हुए, वी वेंट अहेड एंड चोज अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी रियली वॉन्टेड। अपने फर्स्ट बेबी के साथ एक्सपीरियंस के बाद हमें पता था कि इस बार क्या चीजें हैं जो हमें लेनी है और क्या चीजें हैं जो हमें नहीं लेनी है। सो उसको माइंड में रखते हुए हमने ये चीजें ली हैं, जो अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है बेबी कॉट। ये कॉट जो मैंने ली है, इसका नाम है आमोर को स्लीपिंग क्रिब इन वाइट कलर। ये और कलर्स में भी अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके कॉट्स की कैटेगरी में सर्च करोगे, तो बहुत अलग अलग तरह की कॉट्स भी आपको मिल जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये वाली क्यों चूज करी। नंबर वन, इस कॉट में मुझे मिल रहे थे व्हील्स, तो मुझे काफ़ी इजी लगता है कि कॉट को आपको कहीं भी रखना है, आप एडजस्ट कर सकते हो, बेड के साइड में भी रख सकते हो, तो व्हील्स थोड़ा मूवमेंट को ईजी बना देता है। नंबर टू है हाइट एडजस्टमेंट। तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, इसे और नीचे ले जा सकते हो, ताकि बेबी कॉट में सेफ रहे। और अभी की भी जो हाइट है, जो फर्स्ट लेवल है, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं झुकना पड़ेगा बेबी को उठाने के लिए, आप लिटरली बेबी को यहाँ से उठा सकते हो। सो होता क्या है कि डिलीवरी के बाद आपको काफ़ी बैक पेन वगैरह होता है, सो मुझे ये लगता है कि इस हाइट को बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया एज अ फर्स्ट लेवल। नंबर थ्री है, इसमें जो साथ में मुझे मैट्रेस मिला है, दैट इज़ एक्सेलेंट। ये जो मैट्रेस है, ये रिवर्सिबल मैट्रेस है, तो अभी जो साइड हम यूज़ कर रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए 0 to 9 months के लिए, जिनको एक फर्म मैट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। बट आफ्टर दैट क्या होता है कि बच्चों को एक कुशन मैट्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगी, तो इसकी मैं कुशन साइड को काफ़ी अच्छी एज ग्रुप तक, अराउंड 4 years तक यूज़ कर पाऊंगी। नेक्स्ट, इसको मैं को स्लीपिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं इजीली निकाल सकती हूँ, तो क्या होगा कि ये कॉट बिल्कुल बेड के साथ रख जाएगी, एंड इन अ वे वो को स्लीपिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। तो ये फीचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन अगर आप इसके नीचे देखोगे, तो बहुत अच्छी स्पेस दी गई है, जिसको मैं स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकती हूँ। काफ़ी सारा बेबी का सामान हम लेके रख देते हैं, ताकि हमें भागदौड़ ना करनी पड़े, तो उसको मैं आराम से नीचे स्टोर कर सकती हूँ। नेक्स्ट, व्हाट आई लाइक इज़ द फिनिश ऑफ द प्रोडक्ट। गाइस, इस प्रोडक्ट को टच करके ही बहुत अच्छी फील आती है, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। और अगर आप ये बार्स भी देखोगे, तो इसके बीच में बहुत ही कम स्पेसिंग दी गई है, जो बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत सेफ है। ऑल्दो हम बाद में यहाँ पे बम्पर लगा देंगे, जो कॉट बम्पर्स आते हैं, बट स्टिल ये बच्चों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सेफ है व्हेन दे स्टार्ट मूविंग। अगला प्रोडक्ट मैंने लिया है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस इज समथिंग जो मेरे पास कबीर के टाइम नहीं था, एंड आई रियली रिग्रेटेड इट। सो ये है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ये X2 मॉडल है, जो बेसिकली एक डायपर चेंजिंग स्टेशन के साथ आता है। ये डायपर चेंजिंग स्टेशन है, और उसी के साथ मैंने डायपर चेंजिंग पैड भी लिया है। सो गाइज, एज अ पेरेंट मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एक मल्टी यूटिलिटी प्रोडक्ट है। मुझे ऐसे लगता है सब न्यू पेरेंट्स के पास ये ज़रूर होना चाहिए। अब देखते हैं ये क्या पर्पज सॉल्व करता है। सबसे पहले इसमें 9 चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स दिए गए हैं, और इन सब ड्रॉर्स की जो लेंथ है और जो डेप्थ है, वो बहुत ही अच्छी है। काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है,
तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे एक बेटे के पास ऑलरेडी एक अलमीरा है, अब दूसरे बेबी के लिए मैं अलमीरा लूँ तो स्पेस कहाँ से बनाऊँ। तो इन 9 ड्रॉज में बेबी का सारा सामान आ गया है, इतने सारे कपड़े, टॉयलेटरीज, एक्सेसरीज होती हैं, बॉटल्स होती हैं, सब कुछ डालने के बाद भी मेरे पास अभी बहुत स्पेस है, तो मुझे एटलीस्ट एक अलग से अलमीरा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लस इनकी जो फिनिश है ड्रॉर्स की वो बहुत अच्छी है, ड्रॉर्स को ओपन करना भी बहुत आसान है, जो ये हैंडल्स दिए गए हैं ये बहुत ही स्मूथ हैं, सो आई रियली लाइक दैट एंड कलर कॉम्बिनेशन मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। Then guys, look at this diaper changing station. Now, first pregnancy के बाद मेरी जो सबसे बड़ी problem थी delivery के बाद वो ये था कि मुझे बहुत back pain रहता था। तो जब आप baby को bed पे बिठा के उसका diaper change करते हो, जो आप दिन में बहुत बार करते हो और पूरा झुक जाते हो, तो आपके back में बहुत pain होता है। So just look at the height of this diaper changing station. ये बिल्कुल perfect है, मैं ऐसे straight खड़ी हूँ and I can literally place the baby here और मैं आराम से यहाँ पे diaper change कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बड़ा अच्छा cushion वाला diaper changing pad मिला, इसके ऊपर मैंने एक ड्राई शीट लगाई और एक स्वाडल लगा के बिल्कुल बेबी के लिए रेडी कर दिया। साथ में ये सेफ्टी बेल्ट भी दी गई है, जब बच्चे थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देते हैं तो आप ये ऊपर से बेल्ट उनको बांध के और सेफ फील करा सकते हो, और बिना झुके, बिना अपनी कमर में दर्द हुए आप बच्चों का डायपर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे दो सेक्शंस दिए गए हैं जहाँ पे डायपर चेंजिंग से रिलेटेड जो भी आपको एसेंशियल्स चाहिए, जैसे आपको डायपर्स चाहिए, वाइप्स चाहिए, रैश क्रीम चाहिए, वॉश क्लॉथ चाहिए, आप वो सब यहाँ पे रख लो, तो आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग इज राइट हियर, जस्ट इंजॉय द डायपर चेंजिंग टाइम विद योर बेबी। एंड गाइज, मेरे लिए अ बिग हाईलाइट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट दीज चेस्ट ऑफ ड्रॉज आर मेड with antibacterial and antiviral laminate, which is super safe for your babies. बेबी के लिए तो काफ़ी कुछ हो गया, अब मम्मा के लिए भी कुछ लेना बहुत ज़रूरी था। तो अपनी फर्स्ट डिलीवरी के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा से एक रॉकिंग चेयर लेना चाहती थी, तब मैं नहीं ले पाई, और इस बार मैंने बोला कि मेरे बर्थडे एनिवर्सरी गिफ्ट कैंसिल कर दो, बट प्लीज़ मुझे रॉकिंग चेयर ज़रूर लेके देना। सो दिस इज़ माई रॉकिंग चेयर, ये भी लिटिल बर्ड से ही है। इस चेयर का बेस्ट पार्ट ये है कि ये नेचुरल वुड से बना है, और ऊपर इस पे ये जो क्लॉथ दिया गया है, फैब्रिक दिया गया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा कुशन है इसमें। इसमें भी दो कलर्स अवेलेबल थे, बट मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इट गोज़ विद माई डेकोर। सो द गुड थिंग अबाउट दिस चेयर इज़ दैट इसका डेप्थ बहुत अच्छा है, इसका हाइट बहुत अच्छा है, एंड प्लस ये एक रॉकिंग चेयर है, तो ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल कर देता है। सो मेरे साथ क्या होता था कि मैं बेबी को बेड पे बैठ के फीड नहीं करवा पाती थी, वो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था, इवन तो मेरे पास फीडिंग पिलो था, बट वो पूरा झुक के करना आपकी बैक को बहुत दर्द कर देता था। सो मेरे को इस बार एक चेयर चाहिए था जिसपे मैं अपना फीडिंग पिलो लगाऊंगी, बेबी को रखूंगी, आराम से फीड कराऊंगी, इसी पोजिशन में बर्प कराऊंगी और फिर थोड़ा सा बेबी को रॉक करूंगी, इसी पे बैठ के स्टोरीज सुनाऊंगी, इसी पे बैठ के गाने सुनाऊंगी, तो हम दोनों आराम से मस्ती करेंगे। एंड प्लस मॉर्निंग में यहाँ पे मेरे रूम में इसी एरिया में डायरेक्ट बहुत अच्छी धूप आती है गाइस, तो मैं यहाँ पे चेयर को थोड़ा सा टर्न कर लिया करूँगी और आराम से उसके साथ धूप लूँगी। सो दिस हैड टू बी अ पार्ट ऑफ माई नर्सरी एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई बॉट इट। एंड गाइस, इसके साथ एक कुशन भी मुझे मिल रहा था सेम कलर में, तो मैंने वो भी ले लिया बिकॉज उससे बैक को और अच्छा रेस्ट मिल जाता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट यूज़ इट, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट यू कैन ऑलवेज कीप इट। एंड इसी के साथ हमारा बेबी नर्सरी टूर जो है वो एंड होता है। हमारे पास जितनी स्पेस है रूम में उसमें ये वाला पूरा सेटअप हमें ऐप लगा, हम इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते थे। इसके अलावा हमने सिर्फ एक वॉलपेपर लगाया है रूम को थोड़ा सा लाइवली करने के लिए, नर्सरी के साथ थोड़ा सा मैच करने के लिए, जो बेबी के लिए और कबीर के लिए बहुत अच्छा होगा, कबीर ऑलरेडी लाइक्स इट। एंड अब जब बेबी आ जाएगा या आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, हम थोड़ी बहुत एक्सेसरीज लेंगे और उसकी नर्सरी को थोड़ा सा और एनहांस कर देंगे। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लिटिल बर्ड की वेबसाइट से जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको मिल सकता है 10% डिस्काउंट ऑन जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा है यूजिंग आर कोड momcom10। तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा डिस्काउंट इन्जॉय कर सकते हो। आई एम रियली एक्साइटेड, हमसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है कि बस अब बेबी आ जाए और अब हम इस नर्सरी को यूज करना स्टार्ट करें, एंड आई एम श्योर आप लोग भी इक्वली एक्साइटेड होंगे। हमने ऑल्दो ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन देखे थे गाइस, बट ट्रस्ट मी, हमें इतने अच्छे रिव्यूज मिले थे कि जब ये प्रोडक्ट्स आए तो आके हमें लगा कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। कई बार हमें लगता है कि फर्नीचर शॉपिंग ऑनलाइन करना थोड़ा सा रिस्की है, बट अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जा रहे हो, अपनी रिसर्च प्रॉपरली कर रहे हो, तो वो रिस्क आप टोटली एलिमिनेट कर सकते हो। मैं इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्ट करने के बाद आपको बता सकती हूँ कि बच्चे के लिए ये बिल्कुल सेफ है और बहुत अच्छे
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ इन्हें बनाया गया है. सो फ्रॉम माय साइड इट्स अ बिग थम्स अप. लिटिल बर्ड का वेबसाइट लिंक और उनके इंस्टाग्राम हैंडल का आईडी मैं दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके चेक कर लीजिएगा. कबीर के टाइम पे मुझसे काफी लोग पूछते थे कि आपने कबीर का सामान कहां से लिया, हमें बता दो. एंड मैं उस टाइम पे बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैंने सोचा पहले ही वीडियो करके आपसे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं. होप यू गाइज एंजॉयड इट. हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विश अस ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय-बाय.